इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिवपुरी पोईएस होटल के पास से, जहां पर स्कूटी से पिता पुत्र जा रहे थे, तभी सामने से ईंटों से भरा ट्रैक्टर उनकी तरफ आ रहा था। ट्राली में ओवरलोड होने की वजह से ट्राली अनियंत्रित होकर पिता पुत्र दोनों पर पलट गई, दोनों उसमें दब गए। इसके चलते कुछ समय बाद आसपास के लोगों ने मशक्कत कर उनको बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार बनवारी धाकड़, जो अपने पुत्र विनोद धाकड़ को स्कूल लेकर जा रहे थे, तभी सामने से ट्रैक्टर ट्राली रास्ते में गड्ढे होने की वजह से दोनों पिता पुत्र पर पलट गई। देखिए क्या कुछ कहा घायल बनवारी धाकड़ और कोतवाली थाना प्रभारी सुनील खेमरिया ने। सर, उसमें हम घर से जैसे ही चले थे 11 बजे, तो तलगर के पास में मोड़ है, वहीं पे गड्ढे, तो उधर से एक ट्रॉली ओवरलोड भर के जा रही ईंटों की, तो उसने जैसे ही हमारी गाड़ी वहाँ से निकलने को हुई, एकदम रेस दे के गड्ढों में, जैसे ही रेस दी उसने और वो ट्रॉली हमारे ऊपर पलट गई थी ईंटों की भरी, और वहाँ उसमें दब गई थी पूरी ईंटों से, और हमें कोई निकालने वाला ही नहीं था। फिर वो रावत जी आए थे पास वाले, उनकी औरतें घर वाले आए थे बेचारे, उनने हमारी ईंटें फेंकी पूरी, ऐसे तैसे करके निकाला दोनों को, मेरे को और लड़के को, भैया को, और बगल किया तो भैया का पांव फ्रैक्चर हो गया और मेरे ये पैर में लगी है। ये बनवारी धाकड़ अपने लड़के विनोद धाकड़ को, एक नंबर स्कूल में पढ़ता है, हायर सेकेंडरी में 11th में, उसको स्कूल लेके आ रहे थे, तो रास्ते में पीएस होटल के पास में एक ट्रैक्टर ट्राली जो ईंटों से भरी हुई जा रही थी, वो अचानक वजन ज़्यादा होने की वजह से पलट गई, तो उसमें ट्रैक्टर ट्राली में ईंटों के बीच में फंस गए थे। तो लड़का जो है विनोद धाकड़, उसके पांव में फ्रैक्चर आया है और इनके पिताजी को हेल्प की चुका है।